नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है। आप देख रहे हैं शहडोल डायरीज एंड अगेन टुडे इज ट्यूसडे। और ट्यूसडे को जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से रेगुलर जॉब अलर्ट सीरीज मैंने चालू की है, अभी भी रिस्पांस नहीं है अच्छा। और जैसा कि मैंने लास्ट सीरीज में बोला था, इफ आई विल नॉट गेट रिस्पांस टिल माय 10th एपिसोड आई विल क्विट दिस जॉब सीरीज। क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं रहा है तो फिर कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। सो यू गाइज हैव टू टेक केयर फॉर दैट प्लीज़ मेरे तरफ से। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ होती है कि मेरे एनालिटिक्स जो हैं वो गड़बड़ होते हैं यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज अदर जो वीडियोज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। इस कारण सारे दूसरे वीडियोस का परफॉर्मेंस भी लो हो जाता है। इसलिए अगर मुझे 10th एपिसोड तक बराबर रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे मजबूरन ये जॉब सीरीज बंद करना पड़ेगा। सो चलिए आज का जॉब सीरीज स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द पहली जो जॉब है वो है IBPS, जो कि बैंकिंग के लिए होती है। क्लर्क की जॉब निकली है। थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारी पोस्ट हैं, एग्जैक्ट उसमें पोस्ट के जो नंबर ऑफ पोस्ट तो नहीं लिखा था, लेकिन थ्रू आउट द इंडिया है। जो डेट्स हैं वो 17 सितंबर से 19 अक्टूबर 2019 तक है। मींस अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, अटलाइज लगभग महीना में 8-10 दिन का है, 20-22 दिन जैसा है आपके पास टाइम, आप लगा सकते हैं। एज जो है इसकी 20 से 28 साल तक की एज मांगा है। एंड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, डिफरेंट कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन होता है उस हिसाब से रिलैक्सेशन भी है। क्वालिफिकेशन जो मांगा है इसमें सिर्फ डिग्री है, जैसा कि नॉर्मली सभी जगह होता है आजकल। मींस इंडिया में पढ़ाई तो बहुत सारी आ गई, MPhil, PhD और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी पोस्ट के लिए वो डिग्री है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास अगर डिग्री है तो आप डेफिनेटली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज 20 से 28 साल की है और ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा अप्लाई करने के लिए, www.ibps.in के थ्रू आप, हालांकि बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं जो आप पहले भी काफ़ी बार दे सकते हैं, दे चुके होंगे, सो इट्स नॉट अ वेरी टफ वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मूविंग नेक्स्ट जो है वो NIT जमशेदपुर की है। पोस्ट नॉन टीचिंग है, बहुत सारी पोस्ट आई हैं नॉन टीचिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल है, फिर नॉन टेक्निकल भी है। मीन्स सबसे मेन चीज़ है नॉन टीचिंग नहीं है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, क्लर्क भी है, लाइब्रेरियन की भी निकली है, कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी निकली है। तो अल्टीमेटली जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो हैं। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 4th of October 2019, और सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, और एज मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम अप टू 56 ईयर्स तक है। बहुत सारे मींस दूसरे डिपार्टमेंट से भी एक्सपीरियंस्ड भी चाहिए इनको, नॉन एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो फ्रेशर से लेके 56 ईयर्स तक की एज इन्होंने मांगी है। आप यहाँ पे जाके वेबसाइट में ज़रूर देख सकते हैं, वेबसाइट इसकी है nitjsr.ac.in, दैट इज jamshedpur.ac.in। हाँ, सो थर्ड वन इज, थर्ड जो जॉब है वो बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है जॉब। टोटल पोस्ट हैं 5 हैं, ये एक्चुअली 3 साल के लिए इसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन सैलरी समथिंग नियर अबाउट 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो ये टेक्निकल कंसल्टेंट की जॉब है और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और मैक्सिमम 15 साल का, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बीटेक, एमटेक, मिनिमम बीटेक है, क्योंकि टेक्निकल कंसल्टेंट है तो एटलीस्ट आपके पास बीटेक की डिग्री होना मांगता है, और उसके बाद एमटेक, एमबीए जो भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन मिनिमम बीटेक मांगा है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, टोटल 5 पोस्ट हैं, आप जाके वहाँ जरूर देख सकते हैं। मैं आपके उसको वेबसाइट बता देता हूँ, दैट इज़ www.mha.ac.in। डेफिनेटली जाइए, जो भी एक्सपीरियंस्ड देख रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी। और इसके अलावा और भी पर्क्स भी हैं,
लगभग 2.50 या 75 के आसपास मैंने सैलरी देखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पर्क्स भी हैं, आपको ट्रैवल अलाउंस है, एचआर है, ये सारी चीज़ें भी हैं। सो आप वहाँ जाके कंफर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की है, पोस्ट है असिस्टेंट टीचर एंड जूनियर इंजीनियर्स की है ये। अगर मैं अपनी एमपी की भाषा में बोलूँ तो पीएससी लेवल की जॉब है। टोटल पोस्ट है 982 पोस्ट है टोटल दिल्ली में। क्वालिफिकेशन है बीई है, बीटेक है, बीटीसी है, सीटीईटी है, कुछ जॉब्स तो ट्वेल्थ बेसिस में भी हैं। सो आप जाके ज़रूर देखिए। एज जो मांगा है वो 30 ईयर्स तक की है और उसमें अकॉर्डिंग टू क्लासेस ओबीसी एससी एसटी इन सब चीज़ के बेसिस पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पे 15 अक्टूबर की है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पे आपको पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मांगा हुआ है। टोटल पोस्ट जो है 28 टोटल पोस्ट है। रिजर्वेशन है एज रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एंड सिचुएशन ऑफ द कैंडिडेट। ओबीसी है, अनरिजर्व है, ये सारी चीज़ें हैं। एज 28 ईयर्स एज ऑन 14 अक्टूबर 2019 को आपकी 28 साल ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें लास्ट डेट है जो वो 14/10/2019 की है। सो ये सारी हैं आज की जॉब्स, और अगेन रिक्वेस्टिंग टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दिस सीरीज इफ यू कैन, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूर पहुँचाएं वीडियो। थैंक्स अ लॉट अगेन एंड जय हिंद।